गुड मॉर्निंग बच्चों, आज राजनीति विज्ञान के इस क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर है, वैसे तो देखा जाए कि राजनीति विज्ञान से अलग टॉपिक है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इसको लिया गया है, उससे रिलेटेड बातें ही अपन इसमें पढ़ेंगे। पर्यावरण के संबंध में ज्यादा विशेष डिटेल में जाएंगे। राजनीति का क्या परिप्रेक्ष्य है इसके अंदर, उसके बारे में हम बात करें। पर्यावरण की बात करें तो पहले आपको पर्यावरण के संबंधित कुछ बातें बताते हैं कि हमारे जो पर्यावरण है, कि धरती हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस तरह की बात की गई है कि माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, धरती हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। यानी पूरी धरती को, पूरे पर्यावरण के संबंध में ये बात कही गई कि धरती में जब प्रारंभ नहीं, जो जीवन प्रारंभ हुआ था, यानी कहें कि जब इस पृथ्वी पर जीवन का जो प्रारंभ हुआ था, तब से ही मनुष्य और पर्यावरण, यानी जब से मनुष्य ने अपना शुरुआत करी थी आदिम अवस्था में, तब से ही लेकर आज तक मनुष्य के बीच और पर्यावरण के बीच एक संबंध बना हुआ है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। आज हम सब पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं और उस प्रकृति के अनुसार, जिस तरह से प्रकृति हमको चलाना चाहती है, उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण का जो अस्तित्व है, पर्यावरण के अस्तित्व के ऊपर ही, यानी पर्यावरण के परिवेश के ऊपर ही हमारा अस्तित्व निर्भर करता है। यानी पूरी तरह से हम पर्यावरण के ऊपर निर्भर रहते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ की संज्ञा दी गई है, जैसे अभी बताया आपको कि पृथ्वी हमारी माता है। यानी पर्यावरण को, प्रकृति को भारतीय संस्कृति में जो माँ के रूप में कहा गया है कि उस धरती माँ के हिसाब से ही हम सब जीवों का जो जीवन यापन होता है, जीवन चलता है। और इसलिए जो पर्यावरण या जो पृथ्वी, हम सबका, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का पालन पोषण करती है, पर्यावरण या जो प्रकृति हम सबका पालन पोषण करती है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस पर्यावरण का संरक्षण करें, उस पर्यावरण की रक्षा करें। प्रकृति के प्रति अपनत्व की भावना रखना, प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना रखना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य माना गया। तो यही कारण है कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में इस प्रकृति को देवता के तुल्य माना गया है। प्रकृति में पेड़ पौधे या बात करें अन्य जीव जंतु का सामाजिक महत्व बताते हैं कि पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का क्या सामाजिक महत्व है। वो सामाजिक महत्व बताते हुए इन सबको प्रकृति से जोड़ा गया है, प्रकृति से जो पारिस्थितिक तंत्र है उससे जोड़ा गया है। तो पर्यावरण का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, उसके संबंध में आप बात करते हैं। पर्यावरण के संबंध में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ऋग्वेद जो चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, चार वेद हैं, सब में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है कि जिसमें सबसे अधिक मनुष्य और उसके पर्यावरण, कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है, मनुष्य और मनुष्य के जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण को यहाँ पे महत्व प्रदान किया गया है। ऋग्वेद में जल, वायु, पृथ्वी, इनको देव स्वरूप माना गया है, यानी इनको देवता के रूप में इनकी तुलना की गई है। इसके बाद बच्चों, अगर अपन बात करें कि पृथ्वी का
पृथ्वी में क्या क्या जो जो चीजें पृथ्वी में, मैदान, रेगिस्तान, पहाड़, सागर, महासागर, नदियां, आला, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, खनिज पदार्थ, चट्टानें, जलवायु, मौसम, ऋतु, यानी इन सबको जो भी इस पृथ्वी में समावेश है, इन सब को मिला, इन सब का जो मिला जुला परिवेश है वो क्या है, वही पर्यावरण। और इसी स्थलीय खंड को यानी भूमि को सर्वव्यापी मातृभूमि, जो स्थलीय खंड जो पृथ्वी में बताए, सागर, महासागर, नदियां, तालाब, चट्टाने, रेगिस्तान, मैदान, इन सबका जो मिला जुला जो रूप है पृथ्वी, उस सब पृथ्वी को धरती को मातृभूमि यानी मातृभूमि या माँ की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। ऋग्वेद के अनुसार यह मनुष्य के कल्याण के लिए सभी प्रकार यानी धरती जो हमारी माता है, जो हमारे पालन पोषण के लिए, हमारे कल्याण के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उन सब चीजों का को हम हमारे लिए धरती उपलब्ध कराते हैं। ऋग्वेद में इस तरह का वर्णन है। हमारे ऋषि मुनियों को वृक्षों और वनों का महत्व पता था, हमारे ऋषि मुनि अच्छी तरह जानते थे पर्यावरण का महत्व, वृक्षों का महत्व, इन सब का महत्व उनको पता था, इसके इसीलिए उन्होंने उसे धर्म में सम्मिलित कर दिया कि मनुष्य की जो सबसे ज्यादा फीलिंग्स होती है वो धर्म के प्रति होती है। जब जिस चीज को मनुष्य धर्म से जोड़कर देखने को लगता लग जाता है, उस चीज के प्रति मनुष्य की अपार श्रद्धा हो जाती है। हमारे ऋषि मुनि भी इसी चीज को जानते थे, इसलिए उन्होंने पर्यावरण को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को, उन सब चीजों को हमारे धर्म में सम्मिलित कर और धर्म के रूप में उसको संरक्षण दिया। अनेक पेड़ पौधे, वृक्ष या जो जीव जंतु हैं, मनुष्य के लिए कितना उपयोगी हैं, कितना मनुष्य के जीवन में उनका महत्व है, इसे ऋग्वेद के ज्ञानियों, जो ऋग्वेद थे, जो ऋषि मुनि थे, उस ज्ञान को कि कितना महत्व है, उस ज्ञान को उन्होंने मनुष्य के समक्ष रखा, हमारे समक्ष। वो ये जानते थे कि प्राकृतिक स्रोत मनुष्य के स्वास्थ्य हेतु कुछ महत्वपूर्ण है, और कुछ पेड़ पौधे जिन्हें उन्होंने या औषधि के रूप में हम जानते हैं, औषधि के रूप में हमको बताया कि पेड़ पौधों का महत्व हमारे लिए औषधि के रूप में है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कुछ पेड़ पौधों को उन्होंने धर्म से, हमारी धार्मिक आस्थाओं से जोड़ कर रखा ताकि मनुष्य उनकी पूजा वूजा करने लगे, उनके प्रति श्रद्धा रखी, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, ये पेड़ ऐसे हैं जिनको हम धार्मिक रूप से या पूजनीय मानते हैं। इसके अलावा भी ऐसी कई चीज बातों का उल्लेख हमारे ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद के अंतर्गत किया। उन्होंने वृक्ष पूजा का महत्व दिया, पीपल को पूज्य मानकर, उसको स्त्री जो पूजा करती है पीपल को पूज्य मानकर उसको अपने अटल सुहाग के पट्टे जोड़ कर रखती है, बेलपत्र को भगवान शंकर से जोड़ा है, भगवान शंकर से चढ़ाते हैं ना बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उस बेलपत्र को भगवान शंकर से जोड़ा गया, धार, पलाश, दूर्वा, कुश जैसी वनस्पतियों को नवग्रह पूजा के लिए धार्मिक, इन सब वनस्पतियों को धार्मिक कार्यों से किसी न किसी रूप में जोड़कर पूजा में कलश में सप्त नदियों का, जब पूजा करते हैं तो सात नदियों का जल कलश में भरते हैं, तो उसको धार्मिक परिवेश में जोड़कर हमारे ऋषि मुनियों ने नदियों के प्रति जो हमारी अपार श्रद्धा थी उसको बनाए रखा। सप्त रुद्रा का पूजन करना, इन सब बातों का कि कलश में सात नदियों का जल रखना, पूजा करना, इन सब से व्यक्ति को नदी और भूमि को पवित्र बन रखने की, इससे क्या होगा कि भूमि को, नदियों को मनुष्य पवित्र रखेगा, क्योंकि मनुष्य ने उसको, हमारे देशी मुनियों ने उसको धार्मिक रूप पर धर्म और धर्म मनुष्य की सबसे बड़ी फीलिंग होती है, तो उसके प्रति मनुष्य की अपार श्रद्धा रहती है। प्राचीन युग में विभिन्न दार्शनिकों और शासकों ने, अगर बात करें पहले के दार्शनिकों की, पहले के राजाओं की, उन्होंने भी प्रकृति के प्रति अपनी
अपार श्रद्धा प्रकट करी थी और उसमें उसकी रक्षा के लिए जागरूकता भी दिखाई थी। वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं, जो वैदिक काल के जो ऋषि मुनि थे वो प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे वो? कि पृथ्वी जल औषधियां हमारे लिए शांतिप्रद हो। ये शांतिप्रद कब होंगे? वे प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी है, जल है, औषधियां हैं, हमारे लिए शांतिप्रद होंगे। लेकिन कब होंगे? जब हम इनका संरक्षण करेंगे, जब उनको संभाल के रहेंगे। महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा था कि साम्राज्य की स्थिरता पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर है। चाणक्य काफी अर्थशास्त्री थे, नीति शास्त्री थे, उन्होंने भी कहा था कि साम्राज्य कब स्थिर रहेगा, साम्राज्य की स्थिरता कब स्थिर रहेगी? जब उस साम्राज्य का पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग में नदियों को काफी महत्व प्रदान किया गया और उन्हीं नदियों की महत्ता का जो देवत्व वाला स्वरूप प्रदान किया था उसमें कहा गया, गंगे से यमुने से गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जस्मिन सिद्धि कुरु, यानी इस तरह के बातें करके, इस तरह के श्लोकों के माध्यम से उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने भी पर्यावरण के प्रति जो हमारी भावना थी उस भावना को बढ़ाने का कार्य किया। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सब नदियां हैं। नदियां क्या है? नदियां जल के स्रोत है, जल की सबके सब क्या है? जल के स्रोत है और इन जल के स्रोत हमेशा हमारे निकट रहे हैं। नदी मात्र के प्रति हमारी जो आत्मीयता थी, क्यों थी? क्योंकि ऋषि मुनियों ने उसको धार्मिक रूप दिया था और इसी कारण नदियों के प्रति हमारी आत्मीयता भी थी और वो आत्मीयता हमने आज तक सुरक्षित रही। यही कारण है कि वर्तमान सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया है वो इसी दिशा में, इसी सोच के साथ कदम उठाया है कि गंगा हमारी माँ जैसी है, पवित्र है। और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तो सरकार ने अलग से ही एक मंत्रालय का गठन कर दिया। अलग गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया, ये हम लोगों की, हमारी सरकार की, हमारे पर्यावरण के प्रति जो श्रद्धा है उसको प्रदर्शित करता है। भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसमें भी माता को, धरती को जो माता मानकर इसमें वंदनीय माना गया है, जो हमारी नदियां हैं उनका भी, उनको भी धार्मिक रूप इसमें प्रदान किया गया है कि वंदे मातरम सुजलम पजलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम। इन सब बातों का वर्णन करके हमारी जो भावनाएं थी उस भावनाओं को राष्ट्रीय भावना के रूप में भी हमने प्रदर्शित किया ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सके। इसी तरह यजुर्वेद में देवताओं के समान, जो देवताओं के समान है, जो इंद्र देवता, जैसे इंद्र है, सूर्य है, नदी, पर्वत, आकाश, उषा, जल के देवता वरुण, सबका आदर किया गया है। और ये सारी चीज, वर्षा के देवता, जल के देवता, अग्नि के देवता, ये सब क्या है? पर्यावरण पर, पर्यावरण के तो है। इसलिए कहा गया है कि अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसव देवता, पृथ्वी देवता, मारुति देवता, रुद्रो देवता, विश्व देवा देवता, विश्व के देवत्व देवता, वरुण देवता, यानी इन सबको, इन सब पर्यावरण के जो भी रूप है, इन सबको हमने देवतुल्य माना, देवता बनाकर इसकी पूजा करी। इसका धार्मिक रूप देने का एक ही मकसद था हमारे वैदिक ऋषि मुनियों का कि हम हमारे पर्यावरण को धार्मिक दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें ताकि उसका संरक्षण बना रहे। जैन धर्म में की भी बात करें कि हमारे पर्यावरण से संबंधित जो भारतीय परिप्रेक्ष्य था उसमें हिंदू धर्म से संबंधित भी हमने बात करी। अगर जैन धर्म से संबंधित भी बात करते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म मानते हुए जीव संरक्षण को आवश्यक है। जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, हिंसा मत करो,
वो सिर्फ इसलिए दिया गया कि प्राणी मात्र की सुरक्षा के लिए, जीवों के प्रति दया दिखाने के लिए हमको इस तरह की जैन धर्म में विभिन्न बातें बताएगी। राजस्थान में जो विष्णुई समाज है, विष्णुई संप्रदाय है, विष्णुई विष्णुई का मतलब क्या हुआ? विष्णुई का मतलब हुआ बी प्लस नौ, यानी उन्होंने 20 प्लस में यानी 29 सूत्र, विष्णुई समाज संप्रदाय के जो 29 जो सूत्र हैं वो सूत्र मानते हैं, और ये सारे के सारे सूत्र प्रकृति को के पर्यावरण संरक्षण को देने के जो कुछ मूल्य हैं उन मूल्यों को वर्णन कर 21 सितंबर 1730 को राजस्थान के तेजड़ी गांव राजस्थान के जो तेजड़ी गांव में विष्णु समाज के 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में केजरी के वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे, यानी केजरी के वृक्षों की रक्षा करते हुए इन 363 लोगों ने जो अमृता देवी के नेतृत्व में थे उन सब लोगों ने अपने प्राण अपनी जान गवा दे दी, मात्र हमारी पृथ्वी की रक्षा की। और ये कहते हुए कहा था कि सिर्फ सांटे रूप रहे तो भी सुस्त हो जाए, अगर सिर्फ अपना सिर कटा के भी अगर आप वृक्षों को पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं तो भी ये सस्ती तो भी ये सस्ता कार्य है। इसलिए पेड़ों को पर्यावरण को कितना महत्व हमारे इस समाज में दिया है इससे साफ जाहिर होता है कि विष्णु समाज के कुछ लोगों ने मात्र पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण को का बलिदान कर दिया। सभी देशों में विश्व के जितने भी देशों की बात, विश्व के जितने भी देश है, विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े बड़े सम्मेलन किए, बड़ी बड़ी गोष्ठियां की और करे भी जा रही है, लगातार करे भी जा रही है, किंतु पर्यावरण का जो संरक्षण है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो कदम है वो संरक्षण के लिए प्राणों की जो आहुति देने वाली घटना आज हम बड़े बड़े सम्मेलन वो कर रहे हैं, मना रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उन सम्मेलनों में, मीटिंग्स में, उन गोष्ठियों में कहीं भी प्राणों की आहुति जैसी घटना नहीं हुई। और आज से इतने साल पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली घटना स्पष्ट करती है कि हमारे देश की प्रकृति, जो हमारे देश की जो प्रकृति है वो हमारे रोम रोम में निवास करती है, हमारे रोम रोम में बसती है, इसके कारण उसका संरक्षण करना हम अपनी जान से भी बढ़कर चाहते हैं। ये प्रकृति का, मानव का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों, उसके संबंध में बात करते हैं।
पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, इसके संबंध में अपन बात करते हैं कि वर्तमान मनुष्य प्रगति की ओर, आप देख रहे हैं कि मनुष्य दिन प्रतिदिन तरक्की करता है, आगे बढ़ रहा है। मनुष्य यूं कहें कि मनुष्य एक धुंध से सवार है आगे, और उस तरक्की के पीछे, उस आगे बढ़ने के पीछे वो अपनी इस प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करता जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति और विकास जो हम कर रहे हैं, निरंतर जो विकास की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस विकास के कारण हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित, बहुत ज्यादा पर्यावरण को हमने प्रदूषित कर दिया, बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया। वृक्षों की कटाई करना, पर्यावरण नदियों को, नदियों के जल को प्रदूषित करना, ये हमारे विकास का ही एक कार्य हो रहा है। और यही कारण है कि जो विकास मनुष्य कहता रहा है कि हम निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर विकास करते जा रहे हैं, लेकिन उस विकास के पीछे जो हम निरंतर विकास कर रहे हैं, उस विकास की गति कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक साबित हो। वनों की कटाई, वनस्पति और जीवों के संबंध में कमी, औद्योगिकरण का बढ़ना, जंगलों को काटने, इमारतों का जंगल बनाना, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, यूं कहें कि रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, वाहन चल रहे हैं उनका धुआं है, कार्बन से युक्त धुआं, ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही, और इन सब चीजों के कारण पर्यावरण का जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर विकास पर्यावरण के दोहन के शर्त को होता है, पर्यावरण के कारण होता है, तो वर्तमान में उसे कि ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर विकास अगर पर्यावरण के को नुकसान पहुंचाने के शर्त हो रहा है, तो वर्तमान में कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये प्रकृति मनुष्य का कितने दिन में साथ दे। और प्रकृति से छेड़छाड़ करना, प्रकृति से खिलवाड़ करना, प्रकृति को कोई मजबूर नहीं कर सकता। प्रकृति जब कभी अपना रुद्र रूप दिखाती है, जब प्रकृति अपना गुस्सा दिखाती है, तो समझ लो कि विनाश निश्चित ही निश्चित है। और ये चीज मनुष्य नहीं समझता। वर्तमान की स्थिति भी आप देख लो, महामारी का दौर चल रहा है, कि कहीं ना कहीं इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का ही परिणाम। धरती के तापमान में निरंतर धरती वैश्विक तापमान में वृद्धि, एक बहुत ही ज्वलंत समस्या आज की बनी हुई। और इस ज्वलंत समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा सिवाय एक समाधान के, पर्यावरण को सुरक्षित रखो, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचो। सूरज से जो परावैगनी किरणें आती, उन परावैगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को जो रोकने का कार्य करती है, वो है हमारी ओजोन परत। लेकिन पर्यावरण को हमने इतना दूषित कर दिया कि उसका परिणाम ये हुआ कि ओजोन परत में भी छेद। अब वो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधा अगर धरती पर आएगी तो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होगी। वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हिमालय क्षेत्र के जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर पिघलेंगे, और वो ग्लेशियर पिघलेंगे तो हमारी नदियों का जल स्तर ऊंचा होगा। नदियों में जल स्तर ज्यादा होगा तो समुद्र का जल स्तर भी ऊंचा होगा, और अपने स्तर से बाहर जब समुद्र का पानी निकलेगा तो क्या विनाश उत्पन्न होगा, क्या विनाश की लीलाएं नजर आएगी। तो एक छोटे से सुनामी जब आई थी, एक छोटे से उदाहरण के रूप में आप उसको देख सकते हैं क्या विनाश उस समय है। एक आंकड़ों के मुताबिक कई कई देशों का, कई देश ऐसे हैं जो समुद्र तट से नीचे हैं, उन देशों का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, एकदम जल में समा जाएगा। बांग्लादेश वगैरह जैसे जो देश है, कई बड़ा हिस्सा ये पूरा का पूरा जल में समा जाएगा। इसलिए आज भी जरूरत है कि इस वैश्विक तापमान जैसी जो समस्या है, जो विश्व के समक्ष चुनौती बनी हुई है,
इस चुनौती का मुकाबला करने की, इस समस्या को खत्म करने की, ये तो परिणाम हम सबके सामने आएगा ही। एक और जहां दुनिया की आबादी बढ़ रही है, दूसरी ओर आबादी बढ़ रही है तो कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम है, तो मनुष्य की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट की जो समस्या है वो हमारे सामने निरंतर आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। जब ये जनसंख्या विस्फोट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो क्या होगा परिणाम, जो कृषि जिस खेती पर जिस जमीन पर खेती हो रही है, जो जिस खेती से मनुष्य अपना पेट भर रहा है, उस जमीन पर वो मकान बना खेत कम हो रहे, कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है वो घट रहा है। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को रहने के लिए जगह, अगर इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रहती है और कृषि योग्य भूमि कम होती रहती है तो भविष्य में हम तरक्की इतनी तरीके मनुष्य ने नहीं करी कि मनुष्य अपनी भूख पर काबू रख सके, अपना जीवन चलाने के उसको खाना खाना ही पड़े, तो खाना आएगा कहां से, खाना यानी खेती से तो आएगा, अरे खेती योग्य जो भूमि है उसको हम कम करते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर इसी तरह से ये कृषि योग्य जो भूमि है इसका क्षेत्रफल कम होता रहा तो आने वाले समय में हमारे सामने खाद्यान्न की एक बहुत बड़ी समस्या, खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा संकट भी आने वाला है। पशुओं के चारागाह में हेतु जो कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, जहाँ चारागाह बने हुए थे वो भी भूमि कम हो रही है, तो पशु कहाँ से चरेंगे, पशुओं का पेट कहाँ से भरेगा, अब पशुओं का पेट नहीं भरेगा तो दूध की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होगी, अब पशु कम होंगे तो उनके ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो निर्भरता बढ़ती जाएगी और हम परेशानी में पड़ते जाएंगे। आगे बात करें तो बच्चों, कृषि उत्पादन में कमी से बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना आज एक चुनौती बन गया है। विश्व की हर देश की सरकार के पास में एक चुनौती है कि वो अपने देश की जनसंख्या को कम से कम खाद्यान्न तो उपलब्ध कराए, उनका पेट भरने के लिए वस्तुओं तो उपलब्ध कराए, लेकिन आज भी ये समस्या क्यों हमने कृषि योग्य भूमि को कम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2016 के अनुसार हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है 2016 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है 2016, उस 2016 के अनुसार कि विकासशील देशों की 1,20,00,000,000 1,20,00,000,000 जनता, विकासशील देशों की 1,20,00,000,000,000 जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। अगर इन आंकड़ों पर अगर आप गौर करें, संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट पर गौर करें तो ये स्थिति कितनी भयानक है कि पूरे विश्व में 1,20,00,000,000 लोग ऐसे हैं जो शुद्ध पानी नहीं पीते, अशुद्ध पानी पीने से उनकी स्थिति शारीरिक स्थिति में क्या सुधार होगा वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। आगे इसी रिपोर्ट के संबंध में बच्चों आगे बात करें कि 2,60,00,000,000 लोग साफ सफाई की सुविधा से वंचित है।
साफ सफाई की सुविधा से वंचित है और इसी कारण जब गंदगी में रहते हैं, इसी गंदगी में रहने के कारण 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मौत का शिकार हो जाते हैं। करीब 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मौत का शिकार हो रहे हैं। ये स्थिति कितनी भयानक है। विश्व में 97% जो जल, अब हम जल के संबंध में बात कि विश्व में जो टोटल जल है पूरे जल का, अगर पूरे जल की बात करें तो पूरे जल का 97% हिस्सा वो खारे पानी है, यानी कुल जल का 97% हिस्सा खारे पानी के रूप में, यानी जो वो खारा पानी हमारे लिए महासागर पाले वाले किसी काम के नहीं, खारा वो ना पीने के लायक है ना वो खेती के लायक है। और जो बचा हुआ हिस्सा जो बाकी का 3%, उस बाकी के 3% में उसे भी आधे से ज्यादा पानी वो जमाव बिंदु यानी बर्फ है, और जो पानी बचा हुआ है हमारे उपयोग के लिए शुद्ध पानी बचा हुआ है उस पानी को हम गंदा करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं। तो अगर पानी की भी कमी हो जाएगी, पानी तो बहुत ज्यादा नेसेसरी, बिना खाना खाए तो मनुष्य फिर भी कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए तो मनुष्य के लिए कुछ घंटे निकालने मुश्किल होते हैं। तो वो पानी कहाँ से आएगा, शुद्ध पानी कहाँ से आएगा? इसलिए जो ये प्रदूषण रूपी जो समस्या है, ये जो प्रदूषण रूपी पर्यावरण का प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण के रूप में जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, इन समस्याओं का समाधान निकालना बहुत जरूरी। क्या होते हैं प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण की बात अभी हमने करी, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ये प्रदूषण क्या होते हैं, क्या इनके दुष्परिणाम होते हैं, किस तरीके क्या उपाय किए जाए कि इन प्रदूषणों को रोका जा सके, इसके संबंध में हम अगली क्लास में चर्चा करें। आज के क्लास से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है, कुछ प्रश्न है, तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।